लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में आज इंदौरा तथा नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चुनाव कार्यालय नूरपुर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी SDM नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। इस कार्यशाला में 45 दिव्यांग मतदाताओं के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर SDM नूरपुर ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष के पंजीकरण से छूट गए पात्र युवाओं विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए प्रेरित करने के अलावा उन्हें मतदान के दिन मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने सभी BLO को अपने अपने क्षेत्र में वोट पंजीकरण से छूट गए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का 19 मार्च से पूर्व घर घर जाकर पंजीकरण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अपने कार्यक्षेत्र के तहत पंजीकरण में छूट गए पात्र दिव्यांग व्यक्तियों की सूची 19 मार्च से पूर्व संबंधित BLO को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से छूट गए पात्र युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने और सभी लोगों को अपने मताधिकार बारे शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से शिक्षित करके चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इस अवसर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी उपस्थित लोगों को छूटे पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करने, उन्हें वोट के महत्व बारे शिक्षित करने और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक व प्रेरित करने के संकल्प से कार्य करने की भी शपथ दिलाई गई। जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है और हिमाचल में जो 19 मई को चुनाव करवाने की घोषणा की जा चुकी हुई है, तो इस संदर्भ में हमने चुनावी तैयारियों के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए प्लस जो है फील्ड में जो कार्यवाही हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं इनको जो है बूथ लेवल अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए हमने आज एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें समस्त इंदौरा और नूरपुर कॉन्स्टिट्यूसी के असेंबली कॉन्स्टिट्यूसी के जो है ये हमारे BLOs हैं या अन्य आंगनबाड़ी वर्कर्स इनको हमने यहाँ आमंत्रित किया था। इसमें हमने जो है आने वाले समय में हम चुनावी पाठशाला का आयोजन करने वाले हैं। चुनावी पाठशाला में जो है हमने अपनी कार्यवाही कैसे करनी है इसके बारे में हमने ट्रेनिंग दी है और जो हमारे जो लेफ्ट आउट दिव्यांगजन है हमारे जिनके वोट्स जो है अभी भारी मात्रा में अभी तक जो है नहीं बन पाए किन कारणों के चलते, आज हमने इनको जो है गाइडलाइंस दी है। इन्हें समय सीमा दी गई है कि समय सीमा की अवधि के दौरान जो है प्रत्येक दिव्यांगजनों के घरों तक जाकर उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें वोटर्स वोट्स बनाने के लिए जो है मोटिवेट करें और 23 मार्च तक जो है अपना चुनावी पाठशाला आयोजित करके उसमें की जाने वाली जो जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का हमारे साथ शेयर करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तमाम गाइडलाइंस जो है रिगार्डिंग वोटर रजिस्ट्रेशन है वो मोटिवेट करें उनको, और इसके अलावा जो हमारे ये EVMs और VVPATs की ट्रेनिंग है इसको जो है इसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाए। इसके अतिरिक्त जो है हमने PWD इलेक्टर्स के लिए जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, आज हमारे बीच में दिव्यांगजन भी आए हुए हैं, हमने उनको भी बताया है कि आपके लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से जो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, इन्हीं मुद्दों पर आज हमने डिस्कशंस किए हैं।